नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के कुरु तेग बहादुर फ्लैट्स में कुछ नौजवानों ने गुंडागर्दी कर चलाई गोलियां, घटना सीसीटीवी में हुई कैद। अमृतसर एसटीएफ की टीम ने 3 नशा तस्करों को किया काबू, 305 ग्राम हेरोइन की बरामद। जालंधर के गाजी गुला स्थित लक्ष्मी पैलेस के नजदीक एक घर में जलाई ज्योति से लगी आग, दमकल विभाग के 3 कर्मी हुए घायल। और अब हलचल विस्तार से। गत दिनों अमृतसर के फ्लैटों में कुछ नौजवानों की ओर से सरेआम गुंडागर्दी की गई थी, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि काफी संख्या में नौजवान मोटरसाइकिलों पर पहुंचते हैं, जो हथियारों से लैस दिखाई दे रहे हैं, और उनकी ओर से फ्लैट में घुसकर गोलियां भी चलाई गई। ये मामला अमृतसर के गुरु तेग बहादुर फ्लैट्स का है, जहां के रहने वाले साजन नामक नौजवान की ओर से अपने ही इलाके के सुख नामक व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है कि सुख उसे नशा बेचने के लिए कहता है, और जब उसने उसकी बात नहीं मानी तो पहले उसने फोन कर उसे धमकाया और उसके बाद उनके इलाके में कुछ अज्ञात व्यक्तियों के साथ गोलियां चलाई गई। वहीं ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, इसीलिए उसने पुलिस प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। वहीं जब इस संबंध में थाना मकबुलपुरा के एसएचओ अमोलक सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें सूचना मिली कि फ्लैट्स पर गोलियां चली हैं। उनकी ओर से साजन नामक युवक के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी सुख, जो कि श्याम नगर थाने का रहने वाला है और किसी काम को लेकर वहां आया था, जब वो वापस जा रहा था तो उसकी साजन और उसकी पत्नी के साथ तकरार हो गई, जिसके बाद अगले दिन सुख ने अपने साथियों के साथ वहां आकर फायरिंग कर दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक साढ़े को इन्फॉर्मेशन आई सी कि 27/23 नूं शाम नूं वक्त करीब 7:30-8 बजे के करीब कोई गोली चलन की वारदात वो वापरी है फ्लैट्स गुरु तेग बहादुर नगर। ये संबंध में पुलिस पार्टी मौके पर गई और असी मनोज कुमार सानू सतपाल सचदेवा, जो कि फ्लैट्स गुरु तेग बहादुर नगर का रहने वाला है, यदि स्टेटमेंट लैके असी FIR नंबर 182 26/23 अंडर सैक्शन 336/506 IPC और आर्म्स एक्ट दियाँ धारा तहत PS मकबूलपुरा दर्ज की है। और ये एक गल सामने आई है कि जो दोषी आ सुख सन ऑफ रशपाल सिंह, ये रहने वाला शामनगर का है, मजीठे का, ये उत्थे किसी काम वास्ते बीती रात को आया सी और रात जदों वापस जा रहा सी, मनोज अते मनोज की जो धर्मपत्नी सी उन्होंने नाले दा कोई तकरार हो गया सी आपसी, और इन्हें उन्होंने कहा सी कि मैं तुहानू बाद विच वेख लवांगा, और इस रंजिश तहत ही इन्हें अगले दिन 26 तरीक नूं कुछ लड़के दे नाल गए ते उत्थे इन्हें एक हवाई फेयर किया। यह जी गल नहीं सामने आई, ये उन्होंने अपने स्टेटमेंट से लिखाया है कि वो अपने नाल कुछ होर दे अणपछाते व्यक्ति आए सी और इन्हें एक हवाई फेयर किया है उन्होंने डराने वास्ते। अमृतसर जंडियाला गुरु GT रोड टी पॉइंट्स पर KFC रेस्टोरेंट के नज़दीक एसटीएफ की टीम ने 3 नशा तस्करों को काबू करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए DSP योगेश कुमार ने बताया कि एसटीएफ की टीम ने नाकाबंदी के दौरान अमृतसर की तरफ से एक्टिवा सवार 3 नौजवानों को रोककर जब उनकी तलाशी ली तो उनके पास से 305 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसके पास युवकों को काबू कर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी गई है। इसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ये आज एसटीएफ जलंधर की टीम जिन्हें टीम के इंचार्ज ASI परमिंदर सिंह, एसटीएफ की सारी टीम सी,
तरन तारण जंडियाला तरन तारण रोड से के एफ सी मैकडोनल्ड सामने नाका लाया सी तां अमृतसर की तरफों एक एक्टिवा जिंदे उपर तीन नौजवान सवार सीगे वह पुलिस पार्टी नूं वेख के यकदम भज्जन की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने पुलिस पार्टी ने पुलिस कर्मचारियों ने रोक के काबू किया। उन्हां दी तलाशी करन ते उन्हां दी डिक्की दे विच्चों 305 ग्राम हीरोइन बरामद हुई है। उन्हां दे खिलाफ NDPS दे तहत परचा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। जालंधर के गाजी गुला में स्थित लक्ष्मी पैलेस के पास घर में आग लगने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक न्यू गोपाल नगर में चप्पलों के व्यापारी अशोक कुमार के घर में ज्योत जलाने के दौरान ये हादसा हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार घर में महिला ने मंदिर में ज्योत जलाई थी, जिसके बाद वो अपने बेटे के साथ मार्केट में किसी काम के सिलसिले में चली गई। वहीं घर में ज्योत के साथ पड़े कपड़े को आग लगी। धीरे धीरे आग ने घर को अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 5 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई है। मिली जानकारी के मुताबिक दमकल विभाग के 3 कर्मचारी घायल हुए हैं। घायलों की पहचान मनिंदर कुमार जस्सी, अभी गिल और रविंदर सिंह के रूप में हुई है, जो कि कच्चे मुलाजिम हैं। आग में झुलसने के बाद भी तीनों आग पर काबू पाने में जुटे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस हादसे में घर पूरी तरह से जलकर राख हो गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गोपाल नगर मामला अंदर अपने न्यू गोपाल नगर के घर है अशोक जी का, उसे अज अग लगी है। हादसा होया जहाँ ना तीन अंदर घर के जोत जगाई थी। जो हादसा जोत जगा तो होया वा भैन जी की अंदर ही सी, पहले वो किचन च आए जोत जगा के, मैं हम पता लगे सारी गल का कंप्लीट। भैन जी भी हूँ थोड़ा जहाँ बेचारे पहले बहुत ज्यादा रो रहे थे, भैन जी मिल के आए थे, उन्हें गल दसी है। वो कहते मैं जोत जगा गई हाँ किचन के, मैं चलो दो मुड़के ला लवा, फिर उपर गए जोत जगा लिए। पिछले 10 सालों से ठेके पर काम करने वाले अध्यापकों को पक्का करने संबंधी अमृतसर के सरकारी एलिमेंट्री स्कूल नौशहरा कला में अमृतसर उत्तरी के विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह की ओर से रेगुलर किए गए अध्यापकों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इस मौके पर अध्यापक मनवीर कौर ने कहा कि वे 10 सालों से सेवा निभा रहे हैं और लंबा संघर्ष किया गया, जिसके बाद अब उन्हें पक्का किया गया है। पिछली 2 सरकारें गुजर गई पर उन्हें पक्का नहीं किया गया। लंबे संघर्ष के बाद आज मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की ओर से उन्हें पक्का किया गया है, इसीलिए वे सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। इस मौके पर उन्होंने विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह का भी आभार व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सर बहुत ज़्यादा खुशी है, 10 साल हो गए इतनी एजुकेशन लैके भी सानू रेगुलर नहीं किया जा रहा, मतलब कि 2 सरकार आई हैं 10 साल चलो तक कुछ भी नहीं किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल की है लाइफ से, बट अज पंजाब सरकार आई है मान सरकार ने सानू रेगुलर किया, सानू अज बहुत ज़्यादा खुशी है। किन्नी की मेहनत करनी पई, किन्नी की प्रोटेस्ट करने पए, प्रोटेस्ट करना पे, बहुत स्ट्रगल करनी पई, मतलब हर बारी चंडीगढ़ जाओ अज मिलते थानू ऑर्डर, अज मिलते ऑर्डर दिखता दिखता 10 साल लाएंगे, मतलब कि अज मिलते, पर हुण भी लगता कि नहीं एवं कर रही सरकार एवं कर रही, पर जो हूँ सानू लगा कि सानू ऑर्डर उन्होंने अनाउंस कर दी डेट, तो बहुत ज़्यादा मैं अच्छी खुशी हुई है। मेरे पूरे स्टाफ मैंबर का बहुत योगदान है कि कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम कच्चे जे जा तुम इदा जे, पूरी मतलब इज्जत साढ़े हेड टीचर भी बहुत ज़्यादा मतलब मेहनती है, उन्होंने बहुत हेल्प की। जिला एवं सैशन जज कम चेयरमैन जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर निर्भव सिंह गिल की अध्यक्षता में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राहत कैंप सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लोहिया खास में लगाया गया, जिसमें लोहिया खास क्षेत्र के 3 सरकारी स्कूलों के 130 विद्यार्थियों को स्कूल बैग और स्टेशनरी का सामान वितरित किया गया, क्योंकि इन स्कूली बच्चों के गांव में बाढ़ के पानी ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और इन बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी की सख्त आवश्यकता थी। निर्भव सिंह गिल ने कहा कि बाढ़ की मार एक कुदरती आफत है और हम सभी का सामूहिक फर्ज बनता है कि बाढ़ पीड़ितों की अधिक से अधिक मदद की जाए। इस दौरान उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में काम करने वाली समाजसेवी संस्थाओं की प्रशंसा की और कहा कि प्रत्येक समाजसेवी संस्था को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ चढ़ कर योगदान देना चाहिए।
वहीं इस राहत कैंप के दौरान राशन, जूस और दवाइयां भी मौके पर बांटी गई। इस अवसर पर सीजेएम कम सचिव जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी जालंधर डॉक्टर गगनदीप कौर, सिविल जज सीनियर डिवीजन परिंदर सिंह, स्कूलों के प्रिंसिपल्स सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। आज असी इत्थे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जलंधर तो इत्थे आए हैं। सानू इत्थों पता लग्या सी भी इत्थे हड़ दे कारण कई बच्चों के घर के उन्हां दे पढ़ाई दे समान का बहुत नुकसान होया। उन्हां दे बैग खराब हो गए ते उन्हां दीआं कॉपियां, स्टेशनरी का होर समान खराब हो गया। तो सानू फिर सारे जुडिशियल ऑफिसर्स ने इकट्ठे हो के कुछ पैसे डोनेट किए ते अज असी इत्थे बच्चों नूं कोई 130 बैग्स प्लस स्टेशनरी वो वंडी है। बाकी बार एसोसीएशन जलंधर ने भी सहयोग दिता, उन्होंने दवाइयाँ, बिस्कुट, आटा वो सारा कुछ सानू दिता ते वो अज असी इत्थे आके राहत कैंप च वंडिया। तो होर भी अगर कोई सानू डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वालों कुछ आएगी तो असी NGOs नूं रिक्वेस्ट करांगे ताकि बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो। पिछले दिनों पंजाब में आई भयानक बाढ़ के कारण जनहानि के अलावा लाखों एकड़ फसलें नष्ट हो गई हैं, मकान ढह गए, जानवर मारे गए, लोगों के कारोबार नष्ट हो गए और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इसको लेकर पंजाब कांग्रेस की ओर से जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को मांग पत्र देकर पीड़ित परिवारों की सहायता की अपील की गई। इस अवसर पर अमृतसर जिला कांग्रेस कमेटी देहाती के प्रधान हर प्रताप सिंह अजनाला, शहरी प्रधान अश्वनी पप्पू, वरिष्ठ नेता भगवंत पाल सिंह सच्चर सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने DC अमित तलवाड़ को ज्ञापन और प्रभावित लोगों को अधिक से अधिक मुआवजा देने की अपील की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी अमृतसर रूरल का प्रधान होने के नाते साड़ी ड्यूटी लगी सी। राजा बड़िंग जी साडे PPC के प्रधान ने, असी एक मंग पत्र देना है DC नूं और वो मंग पत्र जिहड़ा है वो सारे इलाके दीआं मुश्किलां, सारे पंजाब का जो इस वेले नुकसान होया है उहदे बारे बड़ी डिटेल नाल असी लिख के उन्होंने दिता है और असी वो जिहड़ा मैमोरेंडम सारिआं ने दिता है और सारे हल्के जिन्ने ने साडे ध्यान दे उन्होंने हल्कों वालों प्लस अमृतसरी शहरी जी राजा सर से हल्का जोड़ा आ वो साढ़े मंत्री साहब रिप्रजेंट करते हैं, MLA साहब आने, सरकारी साहब उन्होंने नुमाइंदे भी आए हैं और अमृतसर शहरी जोड़ा प्रधान अश्विनी पप्पू जी उन्होंने कौंसलर आए हैं। असी सारे ने एकमुठ होकर बड़ी पुरजोर अपील की है DC साहब असी मैमोरेंडम दिता है और मैमोरेंडम के इन्नी जबरदस्त डिटेल है वो तुम मैमोरेंडम की कॉपी ले लो और तुम वेखोगे कि इस वे जारिया मंगा ने वो जायज़ ने, जेनुइन ने और मैं समझा किसान और इतों के लोग बचते ने पंजाब तो बचता जो साड़िया मंगा लिए जोड़ा स्पैशल पैकेज असी मंगया वो सानू दिता जाएगा। पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी और जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी अमृतसर की ओर से बाढ़ पीड़ितों और उनके पारिवारिक सदस्यों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता और राहत सामग्री भेजी गई। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक राहत सामग्री लोगों के लिए भेजी जाए। उन्होंने कहा कि वे कुछ गांव में बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं, जिला प्रशासन की मदद और उन सभी की ओर से फंड इकट्ठा कर राहत सामग्री दी गई। बाबा बकाला के अधीन आते गांव बुढ़ा थेहे में 100 के करीब परिवारों के लिए ये राहत सामग्री भेजी गई है। इस मौके पर सेशन जज ने कहा कि अमृतसर से ये पहली सामग्री भेजकर गाड़ी रवाना की गई है, जल्द ही दूसरी राहत सामग्री इकट्ठी कर भेजी जाएगी। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अधिक बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने की भी अपील की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। चेयरमैन पंजाब लीगल सर्विस अथॉरिटी उन्होंने गाइडेंस के मुताबिक असी अमृतसर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने अज अरेंजमेंट किए हैं कि तुसी देखिया कि पिछे जो अपने पंजाब च काफ़ी फ्लड्स आए हैं, सो जोड़े भी फ्लड अफेक्टेड
फैमिलीज़ ने किसान ने असं उन्हों की मदद ली, अच इतने राहत समगरी इकट्ठी की है जो कि जो अफेक्टेड एरियाज ने उत्थे जाके साडे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी वालों डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैडम किन्ने एरिया आइडेंटीफाई जी? असं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद न कुछ एरिया आइडेंटीफाई किया। विलेज हैगा बुढ़ा थे जो श्री बाबा बकाला साहब च पैंदा, उहदे सानूं पता लगा कि 100 फैमिलीज ने जिहड़ियां अफेक्टेड ने। सो असी सारे जुडिशियल ऑफिसर्स जो अमृतसर सैशन डिवीजन दे ने उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन करके फंड्स रेज करके ये सारी समग्री तैयार की। माँ चामुंडा नंदीकेश्वर लंगर समिति की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हिमाचल प्रदेश स्थित माँ चामुंडा धाम में 21 अगस्त से 25 अगस्त तक लगाए जाने वाले विशाल भंडारे और 24 अगस्त को होने वाली माता की चौकी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस लगने वाले भंडारे और होने वाली माता की चौकी में धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक और मां भक्तों को आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र देने की शुरुआत की गई, जिसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री बलकार सिंह, सांसद सुशील रिंकू और उनकी धर्मपत्नी पूर्व पार्षद सुनीता रिंकू को डायरेक्टर कमल किशोर सिक्का, डायरेक्टर कुलवंत बावा, डायरेक्टर सुरेंद्र मोहन ठाकुर, डायरेक्टर उदय चौधरी, प्रधान कपिल सिक्का, महासचिव विनीत सिक्का, कैशियर सुशील चानना, सचिव पारस आनंद, वाइस चेयरमैन हेमंत मरवाहा, वाइस प्रधान परमजीत ने निमंत्रण भेंट किए। भंडारे और जागरण की तैयारियों संबंधी जानकारी देते हुए समिति के सदस्यों ने बताया कि माता की चौकी में पंजाब की भजन मंडलियां सुखविंदर पंछी एंड पार्टी और प्रदीप पुजारी एंड पार्टी महामाई का गुणगान करने के लिए आ रही हैं। सभी ने बताया कि माँ चामुंडा धाम में लगने वाले भंडारे को लेकर 20 अगस्त को सुबह 9 बजे श्री गीता मंदिर आदर्श नगर से राशन सामग्री भरे ट्रक रवाना किए जाएंगे। सचिव पारस आनंद, वाइस चेयरमैन हेमंत मरवाहा, वाइस प्रधान परमजीत ने बताया कि माता की चौकी में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सेक्रेटरी AICC इंचार्ज हिमाचल प्रदेश तेजेंद्र सिंह बिट्टू, हिमाचल प्रदेश विधायक विपिन परमार सहित गणमान्य लोग विशेष रूप से माँ की पावन ज्योति का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस अवसर पर वाइस प्रधान परमजीत, उप प्रधान संजीव लांबा, पुनीत ठाकुर परमजीत, राजवंत सिंह सुखा, सचिव शेखर ढल, सचिव पारस आनंद, सचिव रवि सिक्का, सचिव राजन खन्ना, सचिव सौरभ महाजन, लेखा निरीक्षक जोगिंदर सिक्का, लंगर इंचार्ज नंद किशोर नारंग सहित समूह सदस्यगण शामिल थे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं थोड़ा अपना पंजाबी गायक सुखविंदर पंछी, मैं सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता जिन्होंने मैं महामाई के दरबार च सेवा करन दा माण बख्शिया ते मौका दिता। सो दोस्तों 24 अगस्त को माँ चमुंडा देवी के दरबार के एक असी हाजरी लवा रहे हैं, तुसी उस हाजरी के सारे ने हाजिर होना। महामाई तुहानू आशीर्वाद दे, मैं अपनी भेटा का गुणगान करांगा उत्थे, ते मैं सारी संगत को फिर हाथ जोड़ के बेनती करदा 24 अगस्त को माँ चमुंडा देवी के दरबार से पहुँच के अपनिया हाजरियां लवाओ ते महामाई का आशीर्वाद प्राप्त करो। तुहानू सारे ने जान के बहुत खुशी होगी, चमुंडा नंदीकेश्वर लंगर कमेटी वालों 34वां माता की चौंकी जिहड़ी 24 अगस्त दिन वीरवार को 41वां वार्षिक लंगर लगाया जा रहा है। इस लंगर के सुखविंदर पंछी मशहूर सिंगर भी अपनी हाजरी ला गए, तो तुम सारे को बेनती है कि सारे बंदे अपने हुम मा के पहुँचो तो यदि रौनक बधाओ, तो माँ माई का आशीर्वाद लो। माँ चमुंडा देवी नंदकेश्वर कमेटी वालों 34वां विशाल समागम है चमुंडा देवी, तो उत्थे अपना गुणगान करेंगे सुखविंदर पंछी जी मशहूर गायक, तो विशाल लंगर भी लगेगा जिथे अपना सुरेंद्र मोहन जी ठाकर साहब कर रहे सारी सपोर्ट, प्लीज दर्शन देने सब ने पहुंचना है, माता का आशीर्वाद लेना जी। भारत स्वाभिमान न्यास पतंजलि जालंधर के महामंत्री सतविंदर सिंह कुंदी और हमारा पार्क योग परिवार द्वारा सरस्वती सिंधु न्यास हॉल जालंधर में हवन यज्ञ रखा गया, जिसमें पंडित राजेश अमर प्रेमी ने यज्ञ करवाया और सतविंदर सिंह कुंदी, रमेश चुग, अरुण
अग्रवाल, जिला प्रभारी कपूरथला, महिला पतंजलि योग प्रभारी प्रवीण चौकरिया, जिला प्रभारी पूजा अग्रवाल कपूरथला, महिला पतंजलि योग समिति की जिला प्रभारी अनीता द्विवेदी, उनकी महामंत्री सरोज बाला, हमारा पार्क योग परिवार के सभी सदस्यों और सरस्वती सिंधु न्यास के बच्चों ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ आहुतियां डाली और विधि विधान से हवन यज्ञ को संपूर्ण किया गया। इस दौरान सतविंदर सिंह कुंदी और उनकी टीम ने आए हुए गणमान्यों को सम्मान चिन्ह देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनौजिया की रिपोर्ट। तो ये आज हवन यज्ञ करवा रहे हैं, ये हमारे कुंदी भैया जी करवा रहे हैं। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा योग के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्होंने तपाया है और तभी इतनी लोगों को घर घर जाके योग पहुँचाया है और सबके लिए बहुत सेवा कार्य कर रहे हैं। और जो इनकी टीम है वो भी बहुत अच्छी, मैं इनकी टीम का भी पूरी का धन्यवाद करती हूँ और आए हुए सभी बहन भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह सभी योग से जुड़े और अपने आप को हमेशा तंदुरुस्ती दें। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसके सातवें दिन दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड पाठ किए गए। इसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह की रिपोर्ट। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष में निकाली जाने वाली प्रभात फेरियों की श्रृंखला के अंतर्गत 8वें दिन की प्रभात फेरी शिवशंकर मंदिर शिवनगर से निकाली गई, जो कि मंदिर प्रांगण से शुरू होकर मथुरा नगर अशोक नगर से होते हुए वापस मंदिर प्रांगण में आकर आरती के साथ संपन्न हुई। इस मौके पर मंदिर कमेटी के चेयरमैन गुरुदत्त शिंगारी, प्रधान राम नरेश अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, अरुण कोहली, सुरजीत शर्मा सहित समूह सदस्य और महिला संकीर्तन मंडली की सदस्याएं भी मौजूद रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर के मॉडल टाउन स्थित हरीश सचदेवा के परिवार की ओर से 24 जुलाई से 30 जुलाई तक साय 7 बजे से 10 बजे तक 7 दिवसीय श्रीमद् भगवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसके 5वें दिन कथा व्यास महावीर शर्मा ने कथा कर उपस्थित भक्तों को निहाल किया। इस मौके पर असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। Shut up.
सिद्ध शक्ति पीठ श्री देवी तालाब मंदिर पावन सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई, जिसमें सर्वप्रथम मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया, जिसके पश्चात भजन गायक योगेश पासी एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित मां भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। वहीं माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, वरिष्ठ उपप्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, अरुण वर्मा, रमन शर्मा, मनीष शर्मा, राजू शर्मा, पवन मेहता, सुनील अरोड़ा, भूषण कोहली, अर्जुन मल्होत्रा, दमन मेहता सहित बड़ी संख्या में भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन नवीन की रिपोर्ट। वंदेना 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 तुम्हारे चरणों में, वंदेना तुम्हारे चरणों में गणपति श्री गणेश जी, वंदेना तुम्हारे चरणों में गणपति श्री गणेश जी, वंदेना तुम्हारे चरणों में गणपति श्री गणेश जी, वंदेना तुम्हारे चरणों में गणपति श्री गणेश जी। सांसों की माला से सिमरू, 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 सिमरू तुम्हें गणेश की वंदेना 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 तुम्हारे चरणों गणपति श्री गणेश जी, तुम्हारे चरणों में गणपति श्री गणेश जी, वंदेना तुम्हारे चरणों में गणपति श्री गणेश जी, वंदना तुम्हारे चरणों में गणपति श्री गणेश जी। अड्डा होशियारपुर वेलफेयर सोसाइटी हर साल जागरण करवाते सन, लेकिन वक्त बदलता गया, जागरण तो पूरे हिंदुस्तान चौकियों का प्रोग्राम आ गया, तो उत्थे चौकियां लगातार चल रही ने, और इस साल भी ये चौकी होएगी स्वर्गीय बलबीर निर्दोष जी की याद के 2 सितंबर को शाम 9 बजे तो लैके महाराणी इच्छा तक, जिस दे विच श्री राजकुमार जी सहगल साढ़े बड़े वीर महाराणी का आशीर्वाद लैणगे और अपनी चौकी माँ के चरणों भरनगे। सारी संगत अड्डा हुशियारपुर चौक पहुँच के महाराणी का आशीर्वाद लवे। यूनिसन ग्रुप के किरपाल सिंह मरवाहा का आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में किया गया, जहाँ उन्हें मुखाग्नि उनके बड़े बेटे ने दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, विधायक शीतल अंगुराल, रोहित राजेंद्र शर्मा, मनोहर सिंह पनेसर, मनजीत सिंह, विनय जैन, प्रीतपाल, परमजीत सिंह, अमरजीत सिंह, मिंटू ग्रोवर, गुरबख्श सिंह जुनेजा, नरेंद्रजीत सिंह चावला, अजय गोस्वामी, जयपाल सैनी, कुलवंत सिंह कलसी, मनजीत सिंह ठुकराल, पूर्व डीसीपी राजेंद्र सिंह चन्नी टकुलिया, सुरेश शर्मा, निपुण जैन, एसएसपी गुरमीत सिंह, नरेंद्र भारज, राजन चोपड़ा, मनजीत सिंह, महेंद्र सिंह, मनदीप सिंह, अमरजीत सिंह अरनेजा, राकेश जैन, चरणजीत सिंह चन्नी, केवल चौधरी, आशु सांपला, विष्णु दादा, हैप्पी स्टीलमैन सहित धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय किरपाल सिंह मरवाहा को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। Thank you.
इसके साथ ही अब तक की हलचल की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।